हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर रियल एंड इक्वल रूट। यहाँ पे क्या है, रियल एंड इक्वल रूट दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। ओके, जो सीबीएसई 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर करना भूलना नहीं। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द रियल एंड इक्वल रूट? तो रियल एंड इक्वल रूट के लिए होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे? नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा भी नहीं है। ओके, तो नाउ यहाँ पे फोर है वो मल्टीप्लीकेशन में है एसी के साथ, इसको डिवीजन में ले लो इस साइड, तो बी स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू ए सी, ऐसा ऑप्शन है। तो आप लोगों को ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिया, बट ऐसा है। देखो, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर। सो दोनों आंसर सेम ही हो गए, क्योंकि आप लेफ्ट साइड राइट साइड कर दो। कि ऐसा लिख दो कि ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन फोर, हो जाएगा ना सेम टू सेम। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियोज।